शारिफ साहब स्टेज पर बैठे हैं और मुझे खुशी है कि अपने से ही जिनसे मेरी बहुत अकीदत है फ़ज़ल इमाम साहब को वो गुलदस्ता पेश करेंगे। फ़ज़ल इमाम साहब आपकी दुगनी इज़्ज़त बढ़ गई है, एक आपकी अपनी और एक शारिफ साहब से थोड़ी बहुत मिल गई है। मैं प्रोफेसर शारिफ रुदौलवी साहब से गुजारिश करूँगी कि वो फ़ज़ल जो आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं फ़ज़ल इमाम साहब को। मेहदी साहब आप भी उठ जाइए और गुलदस्ता ले लीजिए, नीचे से दे दीजिए मेहदी साहब। मेहदी साहब से गुजारिश है कि कमांडर ताबिश महमूद रिजवी साहब को गुलदस्ता पेश करें। रिजवी साहब के बड़े भाई शायद अभी तशरीफ ले आए हैं, नहीं अभी नहीं आए हैं, अच्छा ठीक है। और मिसिज रिजवी किसे? नहीं मैं तो घर ले जाती हूँ, मैं छोड़ती नहीं, मुझे कोई मिसिज रिजवी से गुजारिश है। जाफर मुर्तजा साहब तशरीफ लाएं, जाफर मुर्तजा साहब आप हैं, नसीम निखत साहब। अब मेहदी साहब बैठ जाइए, जो लिखवाया उसके हिसाब से चलने दीजिए, तशरीफ रखिए, ज़्यादा बेचैनी, आप महफूज हाथों में हैं, तशरीफ रखिए। मिसिज रिजवी को जाफर मुर्तजा अली बेग साहब से गुजारिश है, जो कि एहतशाम साहब के भतीजे भी हैं, डबल तालीम के लिए मिसिज रिजवी की खिदमत में वो बैठी हैं, वहाँ हैं, वहाँ हैं। और जनाब फराहीम साहब तशरीफ़ रखते हैं यहाँ, फराहीम साहब से गुजारिश है कि डॉक्टर हिमायत जैसी साहब को गुलदस्ता पेश करें। लम्ही मैगज़ीन के एडिटर विजय राय साहब मौजूद हैं, जो प्रेमचंद के खानवादे से भी जुड़े हुए हैं, उनको गुलदस्ता पेश करिए। जी आइए इधर आ जाइए, यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया गुलदस्ता कबूल करने के लिए भी और गुलदस्ता पेश करने के लिए भी।